जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे चैनल जोगन मीरा में फिर से स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नई वीडियो, जिसमें हम बताने वाले हैं कि ठाकुर जी का मक्खन घर पे कैसे निकाले, ताकि आप उन्हें डेली अच्छे से भोग लगा सकें मक्खन मिश्री का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि मक्खन कैसे निकाले। कृष्ण भक्तो, ये दूध है, हमने उसको अभी दूध आया था तो उबाल लिया है अच्छे से, और देर हो गई, बहुत देर हो गई। तो देखिए, आप देख सकते हैं मलाई आ गई है, ये मलाई है। तो इसको अब हम इकट्ठा करके रखेंगे। तो आप कटोरी में इस मलाई को निकाल लीजिए, और ऐसे ही हम 4-5 दिन की जितनी भी मलाई आएंगी वो इकट्ठा करेंगे, और उस मलाई से फिर हम मक्खन निकालेंगे। देखिए, पूरी मलाई आ गई है। देखिए, इस मलाई से हम मक्खन निकालेंगे ठाकुर जी का। तो मलाई कैसे इकट्ठा करनी है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, हमने 2-4 दिन से इकट्ठा कर रखी है, और अब ठाकुर जी का मक्खन निकलेगा। और इतनी मलाई काफी रहेगी मक्खन निकालने के लिए, तो आप इतनी मलाई इकट्ठा कर लें 3-4 दिन में, जितना भी दूध से। और अगर आपको लगे कि दूध में मलाई नहीं आ रही है, तो आप फिर क्या करें कि दूध को गर्म करके जब वो हल्का ठंडा हो जाए तो आप फ्रिज में रख दें। उससे क्या है, जब आप सुबह देखेंगे तो मलाई आ जाएगी, फिर आप उस मलाई को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये देखिए, और अब हम इसमें से मक्खन निकालेंगे। तो मक्खन निकालने की मशीन भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये हैंड ब्लेंडर है। तो आप इसमें, ये आपको मिल जाएगा बाहर मार्केट में, तो हम ये यूज करते हैं मक्खन निकालने के लिए। ये देख सकते हैं, अब देखिए, ये हमने सब लिया है एक भगोनी में। दूध में मलाई जमा के आप डाल के जमा दीजिएगा, अगर ज़्यादा मलाई नहीं हो रही है आपसे। ये देखिए, अब अपन इसको ब्लेंड कर रहे हैं ब्लेंडर से, ब्लेंड करेंगे। इसमें टाइम भी लग सकता है, 10 मिनट भी, 15 मिनट भी, और आधा घंटा भी लग सकता है इसको, और मक्खन आने में जैसे कि घी जब आता है वैसा सिस्टम रहेगा इसका भी। अगर मक्खन नहीं निकल रहा है, बहुत टाइम हो गया हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर अपन गर्मी में मक्खन निकाल रहे हैं तो फिर आप ठंडा पानी थोड़ा मिक्स करके वापस से ब्लेंड कर सकते हैं। और अगर आप सर्दी में मक्खन निकाल रहे हैं तो गर्म पानी हल्का सा डाल के उसको वापस ब्लेंड कर सकते हैं। तो हमने ब्लेंड किया था अच्छे से, और ये इतना हो गया है। और हाँ, ये एक आइडिया लग जाएगा इसके बाद कि हाँ, अब फाइनली मक्खन निकलेगा। थोड़ा सा और ब्लेंड करना पड़ेगा, और इसको ब्लेंड करने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगेंगे ही, और उसके बाद ही ये ऐसा होगा। तो देखिए, हम थोड़ा सा और ब्लेंड कर रहे हैं इसको अच्छे से, ताकि इसको अच्छा ब्लेंड करेंगे तो आप देख ही सकते होंगे, आप वीडियो में देख रहे होंगे कि घी या फिर मक्खन निकलना शुरू हो ही गया है, ऊपर ऊपर दिख रहा है इसके लेयर पे। इसमें थोड़ा और ब्लेंड करती है, क्योंकि हमने थोड़ा गर्म पानी मिक्स किया, इससे अभी सर्दी में अच्छे से जल्दी से आ गया है मक्खन। तो हमने अब ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और अब मक्खन निकलेगा। तो देखिए, ये मक्खन निकल गया है, और ये अपन अब इसमें से निकाल रहे हैं। ये देखिए, ऐसे अपन को पूरा अलग से कर लेना है मक्खन, और ये फिर छाछ रह जाएगी, बिल्कुल प्योर पतली छाछ रह जाएगी, और उसमें से हम मक्खन निकालेंगे। इसका वैसा ही सिस्टम है जैसे घी निकाला जाता है, इसको नॉनी घी भी कह सकते हैं अपन। और फिर ये देखिए, तो देखिए, ये ताज़ा मक्खन रेडी हो चुका है, और ये पुराना मक्खन है जो हमने 2-4 दिन पहले निकाला था, और उसको हम फ्रिज में रख देते हैं तो अच्छा कड़क हो जाता है, और फिर मिश्री के साथ भोग लगाते हैं। और ये ताज़ा मक्खन है, आप दोनों देख सकते हैं ये ऐसा हो जाएगा, और बाकी जो हमने मक्खन निकाला था उसकी छाछ रह गई है। ये देखिए, वो छाछ आप यूज़ ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल जोगन मीरा को। जय श्री कृष्ण।